हेलो एवरीवन, शांति कुजिन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चे की फरमाइश आई कि मम्मी मैं जिम से आ गया हूँ, कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाइए जिससे मुझे बहुत सा एनर्जी मिल जाए। तो ऐसा क्या है, बहुत सारे बनाएंगे बहुत हेल्दी सा शाम का नाश्ता। तो इसके लिए मैंने लिया दो अंडे। अंडे में हम डालेंगे तीखी मिर्च छोटी सी, मतलब चुटकी भर, जैसा आपको स्वाद पसंद है। नहीं तो तीखा खाना चाहते हैं तो एक चम्मच डालिए। फिर धनिया के पत्ते और अदरक लहसुन का हल्का सा पेस्ट और नमक डालकर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। अब लेंगे तवा, तवा को अच्छे से हम गरम करेंगे और आँच को धीमे कर देंगे। अब उसमें हम डालेंगे मक्खन। मक्खन ना जले इसके लिए एक चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मक्खन में बनाइए, आँच धीमे कर दीजिए, मक्खन नहीं जलेगा। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी जिम का बनाते हैं तो उनके लिए मक्खन जल सकता है, इसलिए मैंने रिफाइंड का बोला है। तो आप इस पे जो है ये शिमला मिर्च है, प्याज है, जो भी आपके पास सामान है, जो आप सब्ज़ी डालना चाहते हैं, जितना पौष्टिक चीज़ आप डालेंगे उतना ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जो भी मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो इसको हम धीमे आँच पर, एकदम धीमे आँच पर इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इस पर हम अंडे, फेटे हुए अंडे को हम डालेंगे चारों तरफ से, ताकि एकदम उसमें सेट हो जाए। धीरे धीरे डालेंगे ताकि वो पकड़ते जाएगा, सबके बीच में पड़ जाएगा और बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएगा। अब बहुत अच्छी चीज़ इसमें हम डालेंगे क्या, ये देखिए मूंग है। मूंग को हमने भिंगा के रखा था, वो अंकुरित हो चुका है। अब इसको हम इसमें हम डाल देंगे, ताकि बच्चे जो है ये जब जिम का, भाई जिम वाला बच्चा कह रहा है तो अंकुरित चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने मूंग फुला के रखा था और उसको जो है अच्छे से उसमें डाल दिया, वो भी उसमें हल्का सा पक जाएगा। और सबसे मैंने एक रोटी का प्रयोग किया, वो भी जो है बासी रोटी है, मतलब तुरंत ताची नहीं है, बासी रोटी और फ़ायदेमंद होता है, ये आप जानिएगा ये। और इसको जो ऊपर से चिपका देंगे और एक तरह से ये समझ लीजिए एक पिज्जा का रूप ले लेगा ये। अब इसको हम पलट देंगे, पलटने के बाद इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स है आपके पास जो भी है, जो आपका पिज्जा में लगता है वो सब हम डाल देंगे, और धनिया पत्ता भी ऊपर से डाल देंगे, और उसके ऊपर जो है आप ये चीज़ उसको डाल देंगे। उसके बाद आप जो है अगर पिज्ज़ा सॉस है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह डाल के हमने जो है इसको अच्छे से बनाया। अब देखिए आप उसके ऊपर आप जो है उसको और भी डेकोरेट करिए, सजा कर आप उसको, फिर ऊपर भी डाला हमने। इसके बाद देखिए ये सब भी डाल रहे, जितना भी पिज्ज़ा का सामान था ये सब हमने डाल दिया और ये बिल्कुल तैयार हो गया। ऊपर से जो है मेरे पास पिज्ज़ा सॉस नहीं था, मैंने सिंपल सॉस डाल दिया, और ये देखिए टमाटो सॉस पड़ गया है। और ये बिल्कुल ही कितना सुंदर, इतना अंदर से पौष्टिक और सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। बस बच्चों को दीजिए, बच्चे एकदम टिफिन चट कर जाएंगे।